स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक 3 डॉट मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट का बटन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं फ्रेश का चेक कर रहा हूँ, तो मैं फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करूँगा। तो फ्रेश लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पे 4 बटन मिल जाएंगे। 6, 9, 10 का स्टेटस चेक करने के लिए प्री मेट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कक्षा 11-12 का स्टेटस चेक करना है तो आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। BA BSc BCOM का स्टेटस चेक करने के लिए पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। पोस्ट मेट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट लॉगिन उन स्टूडेंट के लिए है जिनका एडमिशन UP से बाहर या किसी अन्य स्टेट में है। जो स्टूडेंट ITI कर रहे हैं उन्हें भी पोस्ट मेट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या टाइप करना है, उसके बाद में आपको अपनी जन्मतिथि टाइप करना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको नीचे एक बटन मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड ऑफ पोस्ट मैट्रिक, उस पर आप क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक नवीनीकरण का, एक नवीन का। तो आपको नवीन पर क्लिक करना है अगर आप नवीन हैं। अगर आप रिन्यूअल हैं तो आप नवीनीकरण पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है, उसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि टाइप करना है, उसके बाद आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आप किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, उसके बाद आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको यहां पे टाइप करना है, उसके बाद आप हाई स्कूल का रोल नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर कैप्चा कोड मिल जाएगा, उसके बाद आप पासवर्ड पुनः प्राप्त पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड पुनः प्राप्त करने वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, आपको इसे नोट कर लेना है। पासवर्ड मिल जाने के बाद आप सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट बता रहा है, फाइनल सबमिशन कंप्लीट है और स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड कर दिया गया है, यानी कि आपके कॉलेज से फॉरवर्ड कर दिया गया है। अकाउंट वेरिफिकेशन भी वेरीफाई हो गया है। यहां पे 5वां वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, वो हमारा पेंडिंग दिखा रहा है, ये अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और जिनका वेरीफाई हो गया है उनका यहाँ पर करंट स्टेटस में वेरीफाइड एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर कमेटी दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि स्कॉलरशिप की कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।